तुम कैसे आ गई? बस आ गई। आप लोगों ने मुझसे छुपाया क्यों? हमने तुमसे क्या छुपाया? यही कि शबरेज ने उस रात महेश से निकाह कर लिया था। आप लोग ये बात जानते थे? हाँ, हमें खबर मिल गई थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या करती मैं बताकर बेटा, सिवाय तकलीफ के तुम्हें इस खबर से क्या मिलता? मेरी इतनी इंसल्ट हुई और आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे तकलीफ होगी? क्या आप नहीं जानती थी कि ये खबर कभी ना कभी मुझ तक पहुंच जाएगी और उस वक्त मुझे कितनी इंसल्ट महसूस होगी? मुझे आपकी बात मानकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। टेक इट इजी यार, वो कोई इतनी तोप चीज नहीं है जिसके पीछे तुम खुद को इतना परेशान कर रही हो। तोप चीज हो या ना हो, उसने मेरी इंसल्ट की है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही शबरेज को कभी भूलने दूंगी। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम भूल जाओ? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट को इस तरह इग्नोर करूंगा? मुझे भी बुरा लगा है कि शबरेज मेरी बहन को छोड़कर मेहर को ले आया है। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। मैं कह रहा हूं ना, हम मुनासिब वक्त देखकर बदला जरूर लेंगे। मुनासिब वक्त? माय फुट, मैं जल्द अज जल्द शबरेज को सबक सिखाना चाहती हूँ और इस बार मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगी कि वह सारी जिंदगी याद रखेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम खुद को इतना डिप्रेस मत करो उसके पीछे प्लीज। मैं यहां डिप्रेस होने नहीं आई, बल्कि शबरेज और मेहर की जिंदगी में जहर घोलने आई हूं। और आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स करें। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरे रूम में कुछ खाने के लिए भिजवा दें। थैंक यू।